मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में आगामी 9 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह के विषय में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी श्रीमती गीता धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के मेलाघाट में बीते दिन अग्निकांड से कृषकों की खड़ी गन्ने की फसल को हुए नुकसान की सूचना मिलने पर क्षेत्र भ्रमण कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। गीता धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता कर नियमानुसार यथासंभव सहायता करने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार देर सायं पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक के विजय कॉलोनी स्थित आवास पर उनसे भेंट की तथा उनकी कुशल क्षेम पूछी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री निशंक से राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को उत्तराखंड के विभिन्न गुरुद्वारों के प्रतिनिधियों ने भेंट कर हेमकुंड साहिब रोपवे के लिए मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को शॉल भेंट कर उन्हें इस ऐतिहासिक कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे आने वाले समय में हेमकुंड साहिब की यात्रा और सुगम हो जाएगी और बुजुर्गों एवं असहाय व्यक्तियों आदि को इसका विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जैन मंदिर में जैनाचार्य राष्ट्र संत विश्वरत्न सागर सूरी जी महाराज से शिष्टाचार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी का जैन मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। भैयादूज के पावन पर्व पर शनिवार को परंपरानुसार भगवान केदार के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। दरबार बंद होने से पहले बाबा केदार के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में भारी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कनखल हरिद्वार स्थित जगतगुरु आश्रम में जगतगुरु राज राजेश्वर आश्रम जी से शिष्टाचार भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताज़तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करें। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।